मैं बढ़िया चटनी बनाने सिखा रहा हूँ आपको। फटाफट चटनी बनाने के लिए तेल, हरी मिर्चें, हरी मिर्चें, हरी मिर्चों के बाद थोड़ा सा प्याज, प्याज को हल्का सा भूनेंगे, और इसमें ये जो तुरई की स्किन्स है ये मैं डाल लेता हूं इसमें। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। और रोस्टेड चना दाल, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, इसमें हमें जो तुरई की स्किन है वो थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल लेता हूँ। अब इसमें इमली का पानी अब ये जो चटनी पक गई है लगभग थोड़ा सा पानी रहे तो इसमें मैं मिक्सी में पीस लेता हूं इसे। तो बढ़िया चटनी हमने पीस ली है लेकिन अभी तैयार नहीं हुई है। इसके लिए तेल और इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई, राई बिल्कुल तैयार। अब करी पत्ता और ये जो है बढ़िया मिश्रण, ये चटनी के ऊपर थोड़ा मिक्स कर लें ताकि फ्लेवर्स जो हैं, वाह क्या बात है। अब ये चटनी भाई पराठों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, या जब आप घर पे दाल चावल वो खाते हैं उसके साथ परोसें, तड़का लगते ही मज़ा ही कुछ और हो जाता है।